ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है ये कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका पांडे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि इमरान खान ने पीएम मोदी की तारीफ की है। जब से वो कुर्सी से उतरे हैं तब से ही प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। इस बार उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ के साथ साथ पाक के पूर्व पीएम रहे नवाज शरीफ और वर्तमान पीएम शहबाज शरीफ पर निशाना साधा है। इमरान खान ने आरोप लगाया कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान से बाहर विदेशों में अरबों की संपत्ति है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इमरान खान ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, नवाज शरीफ के अलावा दुनिया में किसी अन्य नेता के पास अरबों की संपत्ति नहीं है। मुझे एक ऐसे देश के बारे में बताएं जिसके प्रधानमंत्री या नेता के पास देश के बाहर अरबों की संपत्ति है। हमारे पड़ोसी देश में भी पीएम मोदी के पास भारत के बाहर कितनी संपत्ति है। ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है ये कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे। जब तक एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। वहीं इसी साल मई के महीने में उन्होंने भारत को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो भारत को डिक्टेट करे क्योंकि भारत एक आजाद मुल्क है। उस वक्त इमरान खान ने कहा था, भारत रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है लेकिन अमेरिका उसको कुछ नहीं बोलता क्योंकि भारत एक आजाद मुल्क है। भारत ईरान के साथ भी व्यापार करता है लेकिन अमेरिका इस पर भी कोई आपत्ति नहीं जताता। इमरान खान ने यह भी दावा किया कि पाक पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बातचीत में आर्थिक मदद की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि शहबाज संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से पैसे मांग रहे थे लेकिन वो आपको किस आधार पर पैसे देंगे जब उनको पता है कि प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज है। शायद इमरान खान को सत्ता से बेदखल होने के बाद पीएम मोदी की नीतियां अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।